चुनाव की, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा रहेगा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनावी प्रचार वो करेंगे। लगभग सुबह 11 बजे के आसपास महीसागर में जनसभा करेंगे और शाम 4 बजे अहमदाबाद के अंदर एक भव्य रोड शो होने जा रहा है। फिर शाम 6 बजे वो मनसा में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 7:30 बजे अमित शाह की एक बहुत जरूरी अहम बैठक होने जा रही है। तो ये कुल मिलाकर आज का जो दिन होगा बेहद खास होगा। शाम 7:30 बजे अमित शाह की एक अहम बैठक होगी, तो ये पूरे दिन का जो डे प्लान होगा ये दूसरे चरण के चुनाव प्रचार से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह दूसरे चरण को साधते नजर आएंगे, क्योंकि पहले चरण के लिए कल शाम चुनाव प्रचार थम चुका है। अब सभी पार्टियों के जो दिग्गज होंगे उन सबकी नजर जो होगी वो सीधे तौर पर दूसरे चरण के लिए होगी। जतिन रावल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, गृहमंत्री अमित शाह के आज जिन जिन जगहों पर दौरे हैं वो दूसरे चरण के वो जगह होंगी जहां पर सबसे पहले बीजेपी या कोई भी पार्टी ध्यान को लगाना चाहेगी या फिर उस जगह को जीतना चाहेगी। मुझे बताइए, जहां जहां पर आज अमित शाह जाएंगे उन जिलों में स्थिति क्या है? जतिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है जतिन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन एक बड़ी खबर उससे पहले मैं जरूर आपको बता दूं कि गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरा आज है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे महीसागर में जनसभा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। गुजरात चुनाव के लिए जेपी नड्डा के जो कार्यक्रम रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। लगभग सुबह 10:40 पर अहमदाबाद के अंदर जेपी नड्डा का एक रोड शो है। उसके बाद दोपहर 1:30 पर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उनकी एक अहम बैठक है। 3 बजे खेड़ा में नडियाड के अंदर उनका भव्य रोड शो होगा। इसके बाद रात 8 बजे अहमदाबाद में अहम बैठक करेंगे जेपी नड्डा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा आज तमाम कार्यक्रम करेंगे। बीएस तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आप बीएस तिवारी, मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की आज तमाम रैलियां रोड शो कार्यक्रम जेपी नड्डा के हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण सीटें हैं दूसरे चरण के चुनाव के लिहाज से? देखिए, पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे चरण के चुनाव पे सभी दलों का जोर है। जेपी नड्डा जो भी उनका कार्यक्रम रखा गया है, वह अंदाजा लगाइए कि अहमदाबाद में 21 सीटें हैं। पिछली बार 15 बीजेपी को मिली थी, 6 कांग्रेस को मिली थी, और इस बार जो बीजेपी का टारगेट है कि अपनी सीटें यहाँ पे बढ़ानी है, उसी हिसाब से वो रणनीति बना रहे हैं, उसी हिसाब से पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की छोंक जितना लगा सकते हैं उतना इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से बीजेपी की तरफ से। ठीक है, शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए तिवारी जी और तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये जो सीटें रहेंगी दूसरे चरण में बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इन 3 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि गुजरात चुनाव के अंदर किन सीटों पर अब सबसे पहले नजर होगी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये तीनों आज एक्टिव रहेंगे और आज तीनों के जो रोड शो होंगे, भव्य जनसभाएं होंगी, उनका सीधे मोटिव एक ही होगा कि दूसरे चरण को भी जीतो। पहले चरण में अपनी पूरी ताकत तमाम पार्टी के दिग्गज लगा चुके हैं, लेकिन अब सबकी नजर दूसरे चरण पर है।